नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बनाते हैं वेजिटेबल खिचड़ी, तो हेल्थ के लिए अच्छा है, आप भी ट्राई करें। बहुत ही मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीका से बनाऊंगा, तो चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, मेरे पास है चावल, उसके लिए क्या चीज़, चावल और दाल। दाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीली दाल है, पीली मूंग की दाल है ये। और इसकी क्वांटिटी देखो, दाल मैंने ज़्यादा रखी है, चावल मैंने कम रखे हुए है। तो इसमें दाल ज़्यादा है, दोबारा बोल रहा हूँ, और चावल कम है। तो इसको डालते हैं पतीले पे, ठीक है। दाल काफ़ी है और चावल की मात्रा आधा है उसमें, ठीक है, इतने हो गए। अब इसको करते हैं, अब इसको धोते हैं, धो के इसको बॉयल चढ़ा देते हैं। ओके, इसमें करना है मैंने सिर्फ नमक और हल्दी ऐड। अभी डालो मैं नमक, बस स्वाद अनुसार, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना, कोई गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ नहीं डालना, हल्दी डालना है, हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी अच्छा सा पका देना है ये, मतलब अच्छा गला देना है दोनों चावल और दाल को। और अभी आगे बने रहे वीडियो में, तो बताता हूँ आगे क्या करना है। इसमें वेजिटेबल कब ऐड करना है तो मैं बता, जब बॉयल हो जाएगा उसके बाद बताता हूँ मैं। ओके दोस्तों, ये हमारी खिचड़ी हो गई बॉयल, अच्छा बॉयल हो गया, पूरा गल गया है, मैंने पूरा रबड़ी बना दी इसकी मैंने गला के, ठीक है। तो अब आगे कैसे करना है, इसका जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिंपल रखना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्थी है। और दोस्तों मेरे को चाहिए वेजिटेबल, और साथ में मैंने रखा हुआ ब्रोकली। तो वेजिटेबल मेरे पास है गोभी है, गाजर है, बीन्स है और मटर है, और मैंने साथ में रखा हुआ ब्रोकली। ये बिल्कुल हेल्थी खिचड़ी बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और करते हैं स्टार्ट अप आगे। ओके, ये हो गया हमारा पैन गरम, और मेरे पास है अमूल घी। अमूल घी डालो, वो तो गरम हो जाएगा। जीरा डालो इसमें, सिर्फ जीरा डालना है और कुछ नहीं, जीरे को हल्का ब्राउन होने दो। ओके दोस्तों, हमारा जीरा हो गया फ्राई, इसमें क्या करना है अब हमने, ये खिचड़ी ऐड करनी है जो हमारा चावल बना रखा है। बस बन गई खिचड़ी, हो गई तैयार। ओके दोस्तों, मेरे पास ये वेजिटेबल है, वेजिटेबल इसको लास्ट में डालो, वेजिटेबल पहले पका दो। मैंने पका रखा वेजिटेबल, पहले ब्लांच मार रखा है, ओवर कुक नहीं करना है, वेजिटेबल तो ऐसे ही खाया जाता है, ठीक है। और इसको हमेशा ज़्यादा नहीं पकाना है वेजिटेबल, इसलिए मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वेजिटेबल गल जाएगा तो उसका विटामिन सब निकल जाएगा, तो लास्ट में डालो और हल्का पका दो इसको। और सिर्फ इसमें डालना है दोस्तों मसाला, कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्दी और नमक और घी में तड़का माना, जीरा, घी और जीरा, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। जैसे कोई बीमार लोग हो गया, कुछ हो गया, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये, पेट का प्रॉब्लम है जिसको, उनके लिए। सिर्फ चावल है इसमें, दाल है मूँग की दाल ज़्यादा क्वान्टिटी में, और वेजिटेबल है, घी है और नमक। अगर स्पाइसी चाहिए आपको तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं आप। और ये हमारी हो गई, हमारी खिचड़ी हो गई तैयार, बिल्कुल गाढ़ी है, ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, पुलाव नहीं बनाने का, इसका खिचड़ी है ये। तो ये देखो पूरा हो गया ये तैयार। ओके दोस्तों, ये हमारी खिचड़ी हो गई तैयार। दोस्तों इसमें कुछ ओवर कुछ मत डालना, वेजिटेबल को ब्लांच करना है, वेजिटेबल थोड़ा क्रिस्पी कर रखो वेजिटेबल में, और ब्रोकली सबसे लास्ट टाइम पकाओ, ब्रोकली नहीं पकाना, ब्रोकली उस समय डालो बस। और ये हमारी खिचड़ी हो गई तैयार। और दोस्तों ये तो, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।